चाहे वो गार्लिक ब्रेड के अंदर से किसी अप्सरा की तरह बाहर आए या पिज्जा पर शान से बैठा हो। आज के समय में चीज किसको पसंद नहीं है। हम भारतीयों ने तो चीज को भी पूरी तरह से इंडियन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सिर्फ भारत ही ऐसा देश होगा जहां चीज के पराठे बनते हैं और कई जगहों पर चीज का डोसा भी मिलता है। तो कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत के लोगों ने चीज को पूरी तरह अपना लिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये चीज फैक्ट्रीज में कैसे बनता है? अगर नहीं तो आज हम आपको ले चलने वाले हैं अमूल की एक ऐसी फैक्ट्री के सफर पर जहां पर हजारों टन चीज बनकर बाहर निकलता है। तो इस मुंह में पानी ला देने वाली वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अमूल कई तरह के अलग अलग चीज बनाता है, फिर वो बड़ी बड़ी चीज ब्रिक्स हो, छोटे चीज क्यूब्स हो या फिर चीज स्लाइसेस या पिज्जा पर गिरने वाला मोज़रेला चीज। पर सभी की शुरुआत होती है भारत के छोटे छोटे गांव से, जहां पर हजारों डेयरी फार्मर्स अपना दूध अमूल के मिल्क कलेक्शन सेंटर तक पहुंचाने आते हैं। यहां शुरुआती तौर पर इस दूध को फैट कंटेंट, प्योरिटी और अलग अलग चीजों के लिए जांचा जाता है और हरी झंडी मिलने के बाद इन्हें बड़े बड़े ट्रक्स में यहां से अमूल की फैक्ट्रीज में पहुंचा दिया जाता है। यहां पर दूध को अनलोड करके प्री ट्रीटमेंट एरिया में भेज दिया जाता है, जहां इस दूध को फिर से कुछ टेस्ट से गुजरना पड़ता है। ये सभी टेस्ट ऑटोमेटिक होते हैं और इनका रिजल्ट भी 3 से 4 मिनट में आ जाता है। इसके बाद बारी आती है दूध को प्रोसेस करने की, जिसमें पहले इसे एक बैक्टीरिया क्लेरिफिकेशन मशीन से गुजारा जाता है और उसके बाद इसमें से एक्स्ट्रा फैट निकाल दिया जाता है। फैट निकालने के बाद दूध को 72 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है ताकि कोई भी इम्प्योरिटी इसमें ना बचे। और दूध जब पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो इसे चीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भेज दिया जाता है। चीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बैक्टीरिया लेस रखने के लिए यहाँ पर आने वाले सभी एम्प्लॉयज को पहले एक एयर चेम्बर से गुजरना पड़ता है, जहाँ ब्लोअर की मदद से उन पर से सभी तरह के डस्ट पार्टिकल्स को हटाया जाता है। चीज बनाने पर लौटे तो दूध के अंदर सबसे पहले कल्चर डाला जाता है। ये कल्चर एक अलग तरह के बैक्टीरिया का एक मिक्सचर होता है, जैसा आप दही बनाते वक्त भी डालते हैं। फैक्ट्रीज में इस मिक्सचर को भी कर्ड ही बोला जाता है। और कल्चर डालने के बाद 30 से 45 मिनट तक इसे यूं ही छोड़ दिया जाता है। फैक्ट्री के दूसरी तरफ वेजिटेरियन रेनेट नाम का एक एंजाइम पहले गर्म पानी में मिक्स किया जाता है, जिसे फिर बाद में कल्चर के साथ ही मिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद ये कर्ड कुछ कुछ सॉलिड दिखने लग जाती है और इसकी जांच करने के बाद इसे काटा जाता है और गर्म पानी डालकर 30 से 60 मिनट तक पकाया जाता है। इसके बाद इस कर्ड में से एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया जाता है और अब इस सॉलिड कर्ड को मिलर्स में डाल दिया जाता है, जहां इनमें नमक भी ऐड किया जाएगा। अब एक वर्टिकल कंप्रेसर मशीन की मदद से इस चीज पर प्रेशर डाला जाता है और इसके ब्लॉक्स बन जाते हैं, जिन्हें एक मेटल डिटेक्टर से गुजारा जाता है। सब ठीक होने के बाद इन ब्लॉक्स को उबलते हुए पानी में डुबाया जाता है और आखिर में इनकी लेबलिंग का प्रोसेस शुरू होता है। यहाँ पर काम खत्म नहीं हुआ। अब यहाँ से इस चीज को 2 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है। पहला हिस्सा फैक्ट्री प्रोसेस में आगे जाएगा, जिससे पिज्जा के लिए मोज़रेला चीज बनेगा, और दूसरा हिस्सा वो होता है जिसे 4 से 6 महीने के लिए टेम्परेचर कंट्रोल स्टोरेज हाउस में छोड़ दिया जाएगा। इस प्रोसेस को चीज मैच्योरिंग भी कहते हैं, जिससे चीज को नया फ्लेवर भी मिलता है। मोज़रेला चीज के अलावा सभी तरह के चीज को यूं ही पुराना किया जाता है। कुछ जगहों पर तो चीज को कई सालों तक भी ऐसे रखा जाता है। दुनिया के सबसे पुराने चीज को 40 सालों तक के लिए मैच्योर होने दिया गया था। अब इस पुराने चीज को चेडर चीज कहा जाता है। चेडर चीज को 6 महीने बाद टेस्ट किया जाता है और टेस्ट सही होने पर इसे कुछ कन्वेयर्स की मदद से आगे भेज दिया जाता है। आगे जाकर ये चीज ग्राइंडर्स की मदद से ग्राइंड होता है और पूरी तरह श्रेड हो जाता है। यहाँ इस चीज में एमल्सिफाइंग सॉल्ट्स ऐड किए जाते हैं, जो इसका फैट कंटेंट, टेस्ट और पीएच वैल्यू यानी कि एसिडिक वैल्यू को बैलेंस करते हैं। अब इस चीज को फिर से मेल्ट किया जाता है। मेल्ट करने के बाद ये चीज अलग अलग प्रोसेस से गुजरते हैं। ये प्रोसेस इस पर निर्भर करता है कि आप कौन सा चीज बना रहे हैं। जैसे कि जो 500 ग्राम वाली चीज पैकिंग है, उसके लिए पाइप्स की मदद से
इस मोल्टन या मेल्टेड चीज को एक रोटर तक ले जाया जाता है, जिसमें कई सारे रेक्टेंगुलर साचे बने होते हैं। इन साचों में डलकर चीज को अपना आकार मिल जाता है और इन चीज ब्रिक्स को फिर पैकिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। और इस तरह से हर दिन अमूल की एक फैक्ट्री में 60,000 चीज ब्रिक्स को बनाया जाता है। इन पैकेजेस का सही से वजन तोलने के बाद इन्हें एक स्पाइरल मशीन में रख दिया जाता है। इस मशीन का काम इस चीज को ठंडा करके सॉलिड बनाना है। ये तो हुई चीज ब्रिक्स की बात, लेकिन बर्गर या सैंडविच बनाने के लिए हम लोग चीज ब्रिक्स से ज्यादा चीज स्लाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। चीज स्लाइसेस को बनाने के लिए मोल्टन चीज को पाइप्स की मदद से पहले एक बड़े कंटेनर में डाला जाता है और उसके बाद यहाँ से इसे लंबी लंबी प्लास्टिक स्ट्रिप्स में भरा जाता है। ये प्लास्टिक स्ट्रिप्स 10 किलोमीटर तक लंबी भी हो सकती हैं। इसके बाद जब इन स्ट्रिप्स में ये चीज भर जाता है, तब इन स्ट्रिप्स को पानी से होकर गुजारा जाता है, जिससे कि ये ठंडी हो जाएं। और उसके बाद एक कटिंग मशीन इन्हें छोटे छोटे स्लाइसेस में काट देती है। चीज स्लाइसेस के बाद चीज को टिन के कंटेनर्स में भी पैक किया जाता है। ये टिन कंटेनर्स भारतीय सेना के बीच बहुत पॉपुलर है। हमारी सेना इनका इस्तेमाल करती है। टिन के डिब्बों में भरने के लिए एक पाइप के नीचे अलग अलग कंटेनर्स को रख दिया जाता है, जिनमें लिक्विड चीज भरने के बाद उन्हें सील कर दिया जाता है। ऐसे 32,000 टिन के कंटेनर्स अमूल हर दिन बनाता है। इसके अलावा चीज स्प्रेड बनाने के लिए भी यही तकनीक इस्तेमाल की जाती है। अब बारी है हमारे फेवरेट मोज़रेला चीज की। याद है कैसे हमने एक तरह से चीज को मैच्योरिंग प्रोसेस में जाने से पहले ही अलग निकाल लिया था। उस चीज को दोबारा से पकाया जाता है। इस बार पकने पर इसमें फैट की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए इसे फैट फॉर्मेशन प्रोसेस भी कहा जाता है। अब इस दोबारा पकाए गए चीज को चीज ब्लॉक्स की शेप दी जाती है और इन्हें एक पानी और नमक के ब्राइन सॉल्यूशन में छोड़ दिया जाता है, जहां पर ये चीज धीरे धीरे सॉल्यूशन में से नमक एब्जॉर्ब करने लगते हैं, जो टेस्ट के लिए जरूरी है। इसके बाद इसे कई तरह के और वाटर शावर से गुजारा जाता है और आखिर में एक मेटल डिटेक्टर से गुजरने के बाद इन ब्लॉक्स को भी पैकेजिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। चीज कोई भी हो, अमूल की सारी पैकेजिंग प्रोसेस ऑटोमेटेड होता है, जिसमें इंसानों का काम सिर्फ उसे सुपरवाइज करने का है। इसमें ना सिर्फ काम तेज होता है, पर अमूल का मानना है कि इससे वो चीज को ज्यादा शुद्ध भी रख पाते हैं, क्योंकि जर्म्स और बैक्टीरिया का रिस्क मशीन की वजह से बहुत कम हो जाता है। तो आपने आज देखा कि कैसे फैक्ट्रीज में अलग अलग तरह के चीज को बनाया जाता है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप बाकी हमारे वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर ले।